वाले आईफा अवार्ड को लेकर कंप्यूटर बाबा में अपने मन की बात रखते हुए कहा है कि अब मध्य प्रदेश में कई तरह की संभावनाएं जागेगी। एक माया नगरी मुंबई है तो दूसरी माया नगरी इंदौर होगी। इंदौर में होने वाले आईफा अवार्ड्स को लेकर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि इससे मध्य प्रदेश में कई तरह की संभावनाएं जागेगी। एक माया नगरी मुंबई है तो अब दूसरी माया नगरी इंदौर भी हो सकती है। धर्म और माया नगरी के तालमेल पर बोले कंप्यूटर बाबा, मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को रोजगार और अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक उचित अवसर और स्थान भी मिलेगा। वहीं कंप्यूटर बाबा ने अवैध खनन के मामले में पूर्व की शिवराज सरकार और उनके परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान और उनका परिवार अवैध खनन के दौरान डंपर पर विशेष किस्म का मार्क लगाकर संचालित करते थे ताकि अधिकारी देखकर ही समझ जाएं। उन्होंने शिवराज सरकार को रेत माफिया राज को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि कमलनाथ सरकार रेत माफियाओं को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया नदियों को, नर्मदा को, संतों को, मठ मंदिरों को, उसका पाप जो किया था उसे उन्हें भोगना पड़ रहा है। उनके पास मुंह में राम बगल में, अरे रामलीला का पाठ यदि इनको कोई दे दिया जाए तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ कर नहीं पाएगा। झूठ बोलने का व्यक्ति यदि कोई भारत में नंबर वन किया जाए तो मेरे ख्याल से है अवार्ड मिलने के लिए इनको शिवराज को दिया जा सकता है।